चुनाव आयोग जो हमारा सरकारी संपत्ति सरकारी संस्था थी ये मोदी सरकार के हाथों में जा चुकी है और बिल्कुल उन्होंने सही मांग करे भाई। विपक्ष की पार्टी ने भी मांग करी है, वहाँ के तमाम जनता कहने का काम करे दोबारा चुनाव आयोग पर, क्योंकि चुनाव जब जनता ने वोट ही नहीं दिया तो वो चुनाव कौन सा चुनाव हुआ। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इन्होंने रामपुर में इतना बड़ा नंगा नाच करने का। देखिए ये जो सरकार है लगातार बिल बनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि देश के लोगों को हम रोटी कैसे दें। आप क्यों संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं? ये जब से आरएसएस वाली सरकार आई है इन्होंने संविधान पे खतरा करने का काम। अगर विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठा रहा, आप ईवीएम क्यों नहीं बंद कर देते? भाई मेरा मानना चोर की दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो ईवीएम बंद करने का काम करे। अगर आपको गुजरात की जनता ईवीएम पे अगर 51-52% वोट देने का काम कर रही है तो बैलेट पेपर पे भी आपको उतना देने का काम करेगी। नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं यार, और बात करेंगे रामपुर की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर यूनिफॉर्म कोड जो बार बार आ रहा है, यहाँ पर नया बिल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, समान अधिकार देने की बात कर रही है, ये सारे मुद्दे। लेकिन विपक्ष जो है, विपक्ष साफ कह रहा है कि भैया इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, महंगाई मुद्दा है, तमाम मुद्दे हैं उन पे बात करो, स्टूडेंट्स की बात करो, ये जो बिल जो सोसाइटी को डिवाइड करते हैं इनकी ना बात करो तो ज्यादा बेहतर है। अंशु ठाकुर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं, इनसे सीधा बात करेंगे। पहले रामपुर की, कि रामपुर की जो राजनीति इस बार जो उपचुनाव हुआ है उसको कैसे देखते हैं? स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही, रामपुर के अंदर जो खेल हुआ है या फिर कहें पार्टी समर्थन में है तो भगवा लहरा गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? रामपुर में नंगा नाच हुआ है। अच्छा, समझ रहे हैं। रामपुर की उपचुनाव को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो मोदी सरकार के हाथों की कठपुतली बन चुका है। शासन के हाथों से प्रशासन गुलाम हो चुका है। जिस तरीके से आपने देखा कि पुलिस ने लाठियां चलाई, वहां लोकतंत्र का चीर हरण करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि लोगों को उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया। अच्छा। जो राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में बाबा साहब अंबेडकर ने हमें सबसे बड़ी ताकत थी वोट देने की, जिसमें महिला पुरुष सगड़ा पिछड़ा स्वर्ण दलित सबको सिर्फ एक अधिकार, वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि जो मेरे वोट की कीमत है वही प्रधानमंत्री जी के वोट की कीमत है, जो देश में समानता लाने की हक देता है उस वोट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रामपुर में वोटरों से छीनने का काम किया, सिर्फ एक धर्म के को देखते हुए, विशेष वर्ग को देखते हुए, या उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी को वोट देगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रामपुर में नंगा नाच हुआ है, जो कि देश के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है, विपक्ष की पार्टियों के लिए चिंताजनक है, और जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने याचिका भी एक्सेप्ट करने का काम किया है। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय कहीं ना कहीं इंसाफ करेगा। अच्छा, वहां पे आजम खां हो या फिर उनके पुत्र हो, सभी ये कह रहे हैं कि चुनाव ना कराते तो ज्यादा बेहतर होता, क्यों हमारी माताओं बहनों के साथ आपने बर्बरता की है, तो उसको कैसे देखते? बिल्कुल सही बताया उन्होंने भाई, जब चुनाव का परिणाम पहले ही डिक्लेयर हो गया है कि भाई जो दूसरा वर्ग है या जो दूसरी पार्टी के लोग जो वोटर्स हैं उन्हें जब वोट नहीं देने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक पक्ष जीतेगा जो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। तो आपने वोट क्यों करा दिया? वोट इसलिए करा दिया कि हम अगर वोट देने जाएं आपकी पुलिस हमें मारने का काम करे, हमारी माताएं बहनों को मारने का काम करे। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से रामपुर में जो महिलाएं हैं, जो हमारी माँ की उम्र की महिलाएं हैं, उन पर लाठियां चलाने का काम किया, उनके हाथ से खून निकल रहे हैं, युवाओं को मारने का काम किया, क्योंकि सिर्फ वो अपने अधिकार के माध्यम से वोट देने का काम कर रहे हैं। आप उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास पहचान पत्र है, उनके पास पासपोर्ट भी है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हिंदी में नाम है, इसमें इंग्लिश में नाम है, ये किस तरीके की आप बेवकूफी करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन, मैंने क्या बोला कि प्रशासन शासन का गुलाम हो चुका है, जो ऊपर से आदेश आ रहा है ये पुलिस वालों ने रामपुर में वही काम करने को किया। अच्छा, रामपुर इतना हॉट मुद्दा हो गया है, बोला गया कि दोबारा से चुनाव कराओ और एक फेयर चुनाव करो, चुनाव आयोग पे भी एक बड़ी आरोप लग गया है कि भैया आपकी बस की बात नहीं है, थोड़ा सिस्टम सुधारिए। चुनाव आयोग जो हमारा सरकारी संपत्ति सरकारी संस्था थी ये मोदी सरकार के हाथों में जा चुकी है। अच्छा। और बिल्कुल उन्होंने सही मांग करे भाई, विपक्ष की पार्टी ने भी मांग करी है, वहां के तमाम जनता कहने का काम करे दोबारा चुनाव आयोग पर, क्योंकि चुनाव जब जनता ने वोट ही नहीं दिया तो वो चुनाव कौन सा चुनाव हुआ। जब आपने हमें वोट डालने के अधिकार नहीं दिया, और चुनाव आयोग को जब पता है, जब वोट के दौरान धांधली हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लगातार वोटरों पर लाठी चलाने का काम कर रही थी, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, जनता ने वहां के बोला कि हम इस चुनाव को नहीं मानते, उन्होंने चुनाव आयोग को सूचना दी, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है, मौन एकदम बैठा हुआ है चुनाव आयोग, जैसे साहब ने कुछ दे दिया हो। अच्छा। तो कहीं ना कहीं देश मतलब मोदी जी, साहब मतलब मोदी जी। अच्छा। साहब मतलब मोदी जी, बिना दिल्ली वालों के तो काम ही नहीं होता साहब ऐसे। अच्छा। जब तक दिल्ली वाले नहीं मिलेंगे किसी प्रदेश में ऐसा काम नहीं होगा। तो दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी है, जिससे कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वो आज सरकार की चाटुकार बन गई।
लेकिन ऐसा मैनपुरी में देखने को नहीं मिला, खतौली में देखने को नहीं मिला। गलत कह रहे हैं आप, ये मैनपुरी में भी देखने को मिला, ये खतौली में भी देखने को मिला है। लेकिन कारण ये था कि मैनपुरी में जयंत चौधरी थे, वहाँ के सब लोग, वहाँ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। मैनपुरी में अखिलेश यादव थे, खतौली में जयंत चौधरी थे, तो लगातार ये बड़े नेता थे, इन्होंने वहां पे भी चलाने का काम किया, अंतर बहुत बड़ा था। लेकिन मैंने क्या बोला, इनके टारगेट पे सिर्फ एक खास वर्ग है, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इन्होंने रामपुर में इतना बड़ा नंगा नाच करने का काम किया। अच्छा, बात और भी है, रामपुर की भी बात है, उपचुनाव हो ना हो क्या होगा वो भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक नया बिल जिससे मुसलमान समुदाय जो है हमारा वो काफी ज्यादा थोड़ा सा रुष्ट दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि सीएनआरसी फिर से वापस होगी, अमित शाह का भी नवंबर में बयान आया, उसके बाद कहा जा रहा है समान अधिकार देंगे, लेकिन ये विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर हर स्टेट के अंदर अपनी अपनी थोड़ी सी अलग से कॉन्सेप्ट होता है हर त्योहार को मनाने का, तो वहाँ समान अधिकार जो है ये खौफ पैदा करेगा 2024 में नई, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये जो सरकार है लगातार बिल बनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने कभी ये नहीं देखा कि देश के लोगों को हम रोटी कैसे दें, जो युवा बेरोजगार है उन्हें रोजगार कैसे दें, जो लाचार लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधा कैसे दें, बच्चों को शिक्षा कैसे दें, ये इन्होंने करने के लिए कभी नहीं सोचा। समाज में सद्भाव भाईचारा कैसे आएगा, इन्होंने सिर्फ नए नए कानून बनाने का काम किया जिससे ये जमीनी मुद्दे को हटाने का काम करे। आपने खुद ही कहा कि भारत विभिन्नताओं का देश, हमारे देश की इसीलिए पहचान है कि हमारे देश में हर 100 किलोमीटर के बाद वहां की भाषा बदल जाती है, वहां का कल्चर बदल जाता है, वहां का पानी बदल जाता है, वहां की बोली बदल जाती है। तो जहां इतने सारे राज्य हैं, इतनी सारी कल्चर है, वो कैसे एक समान करने का काम करेगी? वो विभेद तो पैदा होगा ही भाई। यहाँ हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, एक देश में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, उनके अलग अलग नियम है, उसको आप कैसे एक कर देंगे? कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को चोट करने का काम कर रहे हैं। अरे जो हमें संविधान ने हमारा हक दिया है, उस हक से तो हमें कम से कम जीना। संविधान में छेड़छाड़ दिख रही है, ये बिल्कुल छेड़छाड़ है। अगर ये लगता तो जिन हमारे महापुरुषों ने संविधान बनाने का काम किया वो संविधान में लिख के जाते, आप क्यों संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं? ये जब से आरएसएस वाली सरकार आई है, इन्होंने संविधान पे खतरा करने का काम, और देखिए संविधान बदलने का काम कर रहे हैं, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उस चीज में हमें आप क्यों लपेटने का काम कर रहे हो? अरे आप रोटी के लिए क्यों बिल क्यों नहीं ला रहे? आप रोजगार के लिए बिल क्यों नहीं ला रहे? जीएसटी आया है रोटी के लिए, जीएसटी साहब आटा महंगा कर दिया इन्होंने, पराठे पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है साहब, पेंसिल पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है, मोदी जी को सूट पहनने के लिए जो शॉल पश्मीना पता नहीं कौन सा शाल होता है, मुझे नाम भी बोलना नहीं आ रहा, 1.5 लाख का पता नहीं साल पहनने का काम करे, बताइए बताते हैं फकीर है। अरे फकीर कोई 1.5 लाख का साल पहन शॉल होता है? प्रधानमंत्री है तो उनकी स्टेटस को भी तो मेंटेन रखना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे कोई? इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे, ये फोटोबाज प्रधानमंत्री हमारे देश में पहली बार आए। महामारी आई, किस तरह हमारे लोग ऑक्सीजन दवाइयों को बिना दम तोड़ने लग गए, रोटी नहीं मिली लोगों को, हजारों किलोमीटर लोग पैदल गए, रोटी के लिए लोग मर गए। अरे शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि जिस देश में एक बेटी भात भात कहते हुए मर जाती है और उसे भात नहीं मिलता, ऐसे लोग आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करेंगे? अरे पहले रोटी और चावल की जरूरत पूरी करिए, आप शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत पूरी करिए, आप रोजगार की जरूरत पूरी करिए, तब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, और उसकी भी अभी कोई देश में जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। 2024 का चुनाव भी पास है, इस बिल के अंदर क्या बड़ा बवाल होगा वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे मेन ये गुजरात के अंदर जो भाजपा ने प्रचंड बहुमत पाई है उसपे बड़ा विवाद हो रहा है। कहा है कि भैया फेयर चुनाव नहीं हुआ है, ईवीएम की धांधली है, लोगों को वोट नहीं देने दिया गया है, दबाव में वोट डाला है, तो चुनाव आप ठीक मानते हैं या फिर लग रहा है कि हाँ भाई गुजरात के अंदर जैसा दिख रहा था वैसा तो नहीं हुआ? देखिए गुजरात साहब का है, अच्छा साहब ने जिस तरीके से चाहा उस तरीके से किया। भाई रामपुर में भी उपचुनाव हुआ, रामपुर में जिस तरीके से चुनाव हुआ है खतौली में भी उसी तरीके से उन्होंने चुनाव करने का काम किया, पूरी मनमानी चलाई, लेकिन यहाँ विपक्ष है, यहाँ मीडिया स्वतंत्र है, कहीं ना कहीं बोलने का काम करे, दिखाने का काम करे, जिससे आपको और मुझे पता चला गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। अगर विपक्ष ईवीएम पे सवाल उठा रहा, आप ईवीएम क्यों नहीं बंद कर देते? भाई मेरा मानना चोर के दाढ़ी में अगर तिनका नहीं है तो ईवीएम बंद करने का काम करे। अगर आपको गुजरात की जनता ईवीएम पे अगर 100% 51-52% वोट देने का काम कर रही है तो बैलेट पेपर पे भी आपको उतना देने का काम करेगी। आखिर क्या मामला है कि आप ईवीएम बंद नहीं कर पा रहे हैं? तो ईवीएम एक तरह से फेयर भी तो है, हिमाचल में तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने तो कुछ गलत बताया नहीं ना, मैंने तो कुछ गलत बताया नहीं, लेकिन विपक्ष को फेथ नहीं है, विपक्ष को फेथ नहीं है। तो लोकतंत्र में जिस चीज पे विश्वास नहीं है, जहां जनमत कह रहा है कि इस चीज का बदलाव करो, तो लोकतंत्र का असली मतलब वही है कि आप उसका बदलाव करवाने का काम करो। 2024 बहुत पास है, कैसे देख रहे हैं भैया, किसकी लाठी है यहाँ पर? देखिए कोई यात्रा कर रहा है, कोई बिल लेके आ रहा है, तो कौन है इसमें? जो यात्रा कर रहा है कम से कम वो रोजगार की बात तो कर रहा है, अच्छा।
वो यात्रा रोजगार के लिए कर रहा है, वो यात्रा रोटी के लिए कर रहा है, तो ये बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि भैया बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, थोड़ा लाइमलाइट वाला बोलिए, तंज वाला बोलिए तो सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी काफी अच्छा बोलते हैं, कुछ उलझुल नहीं बोलते हैं, उसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी में राजनीति की नैतिकता है, वो नैतिकता से राजनीति करने का काम करते हैं, जिस तरीके से मोरबी वाला कांड हुआ गुजरात में, और कहीं ना कहीं बताइए सोचने वाले विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैकड़ों लोग मोरबी का पुल गिरने से मर जाते हैं, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के लाती है। लखीमपुरी खीरी में उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के घर से थार चढ़ जाती है गाड़ियों किसानों पे, वहां भी इनकी सरकार बन के आ रही है। वो तो अभी राज कर रहे हैं, वो राज कर रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ, जबकि कोर्ट ने बता दिया है कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। तो वहां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, अगर वही राहुल गांधी की जगह कोई और नेता होते या मोदी जी होते या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, तो छाती पीट के पूरे देश को अपने छाती पर उठाने का काम करते हैं। राहुल गांधी नैतिकता की राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता को उनमें भरोसा है, युवाओं को भरोसा है, आपको परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और आप देखिए जिस तरीके से ऐसा 2024 का बता रहे हैं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हो रही है, शुरुआत हो। मैं बताता हूँ आपको, दिल्ली में एमसीडी से 15 साल का इनका किला ढह गया, चाहे कैसे भी ढहा हो, बेशक इन्होंने गुजरात में सरकार बना ली, गुजरात घर है साहब का, गृह मंत्री साहब का घर है, जिन पूंजीपतियों को सपोर्ट करते हैं उन साहब का सब गुजरात के हैं, तो बेशक इन्होंने गुजरात में सरकार बना ली। और उत्तर प्रदेश में भी आधा उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि जिस तरीके से चुनाव हुआ है, आप ये माने कि तीनों सीट समाजवादी पार्टी जीती है, रामपुर भी समाजवादी पार्टी जीती है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आई है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो खत्म होने का काम कर रही है। हिमाचल से गए, दिल्ली से गए, तीनों उपचुनाव की सीट, दो उपचुनाव की सीट से गए, इससे पता चल रहा है कि साहब की विदाई तय है, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर दौड़ेंगे आगे आगे और जनता पीछे पीछे दौड़ेंगे। ऐसा तो ना हो कुछ एक छोटा सा और जेएनयू जैसा कोई काम हो जाए और मोदी जी फिर से जय श्री राम, तो जनता फिर भोगेगी। अच्छा। जनता फिर भोगेगी, ये करेंगे जरूर। हाँ। साहब चुनाव आ रहे हैं, जवानों पे खतरा है देश के, देश के युवाओं पे खतरा है, धर्म के तार फिर से जग सकते हैं, लेकिन जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है। रामपुर के लोग जिस तरीके से प्रताड़ित हुए हैं, हर जगह की जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है, तो जनता सबक सीख चुकी है। दिल्ली में भी इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए, उपचुनाव में भी सारे हथकंडे अपनाए, कहीं कामयाब हुए कहीं नहीं हुए, तो जनता धीरे धीरे समझ रही है। मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे आगे होंगे और देश की जनता इनके पीछे पीछे। हमारा मीडिया बड़ा दुखी हुआ जब एमसीडी का चुनाव भाजपा हार गई, उसको क्या कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के पहले बोल रहे थे कि भाजपा की इतनी सीट और ये। और मैं मीडिया देखता हूँ तो मुझे बड़ा शर्म आता है, ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जाती है कहीं से, जब उनकी सीट हारते तो ऐसा लगता है जो एंकर है उनके पति मर गए, विधवा विलाप करने लग जाती है। भारत की कुछ बिकाऊ मीडिया है, कुछ चैनल बिकाऊ है, विधवा विलाप कर लेते, पता नहीं जैसे आपको क्या हो गया, अरे मोदी जी का आदमी आ रहा है ना भाई, आप क्यों रो रहे हो। हाँ, मीडिया ने पूरी कोशिश करी उन्हें बताने में, इसीलिए उन्हें दुख होता है कि वो बेचारे पूरी तरीके से जलेबी बनाते हैं, बाद में जलेबी सही पकती नहीं है, तो वो पूरा जलेबी रचने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए वो विधवा विलाप करने का काम लगातार करते रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहता हूँ, मैंने तमाम कई बार ये बात कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने तलवे में जहर लगा के सो जाए तो सुबह उठ के देखेंगे तो इन बिकाऊ मीडियो के मुंह से झाग निकला नजर आएगा। तमाम खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे, क्या नया होने वाला है, क्या देश के अंदर हलचल है, वो सारी बातें आपको नवजीवन से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।